गेमर्स, आप लोगों को ये तो पता होगा कि गरेना फ्री फायर के अंदर हमारा ऑलरेडी एक ईवो M1014 है, लेकिन आप लोगों को ईवो M1020 यानी कि हमारा स्कॉर्पियो शॉटर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि राज पे हमारे पास तो पहले से ईवो M1014 है ग्रीन वाला, तो क्या हम लोगों को जो नया आएगा स्कॉर्पियो शॉटर उसको निकालना चाहिए, और साथ में कब आएगा उसकी कन्फर्म डेट बताएंगे, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे और दोनों का एकदम फुल कंपेरिजन करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे पहले बात कर लेते जो गाइस अभी हमारा ईवो M1014 है वो लेवल 1 पे आप लोगों को दो चीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आप लोगों को डैमेज सिंगल देखने को मिलता है, रेट ऑफ फायर सिंगल देखने को मिलता है, और रिलोड स्पीड आप लोगों को डबल माइनस देखने को मिलता है। ये तो अभी हमारा जो ईवो है उसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा 2.0 या शॉटर आएगा उसके अंदर भी ये सेम टू सेम आप लोगों को एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेगा, लेकिन लुक की वाइज करें तो आप लोगों को लुक कुछ हिसाब से लेवल 1 पे देखने को मिलेगा। साथ में आप लोग इसके अंदर नेम भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को हमारा M1014 नहीं रखना है तो कुछ भी नाम रखना है, आप लोग जो हमारा स्कॉर्पियो शॉटर 2.0 आएगा उसके अंदर आप लोग कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स दोनों के सेम टू सेम रहेंगे, जो अभी वो M1014 है या जो नया आएगा दोनों का सेम टू सेम रहेगा लेवल 1 पे। लेवल 2 की बात करें तो अभी है उसके अंदर गाइस आप लोगों को की लेना उसमें कुछ हिसाब से देखने को मिलती है, तो ये की लेना उसमें गाइस आप लोगों को लेवल 2 पे यहां की लेना उसमें यानी कि जो स्पेशल इफेक्ट आता है जब आप किल करते हो तब ये देखने को मिलता है, और साथ में एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं वो हो जाता है डैमेज सिंगल, रेट ऑफ फायर सिंगल और रिलोड स्पीड सिंगल। तो गाइस जो हमारा 2.0 आएगा उसके अंदर भी कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, यानी कि लेवल 2 पे आप लोग जाओगे तो सेम टू सेम एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेगा, साथ में की लेना उसमें देखने को मिलेगा, और लुक तो आप लोग दोनों का सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ हमारा ग्रीन वाला देखने को मिलेगा, वहाँ हमारा स्कॉर्पियो का देखने को मिलेगा। ओके, लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 पे गाइस अभी जो है उसके अंदर आप लोगों को न्यू लुक सिर्फ देखने को मिलेगी, मतलब और कुछ नहीं देखने को मिलता, न्यू लुक ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारा ईवो 2.0 आएगा उसके अंदर आप लोगों को न्यू लुक कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोगों का एलिमिनेशन काउंट देखने को मिलेगा, मतलब आप लोगों को CS जो किल करते हो ना उसका काउंट देखने को मिलेगा, ये थोड़ा एडिट कर दिया जाएगा। लेवल 4 गाइस बहुत ही काम का है दोनों M1014 के अंदर, क्योंकि ज्यादातर बंदे लेवल 4 का करके खेलते हैं। मेरी बात करें तो मैं भी लेवल 4 का ही करके खेलता हूं, इसके आगे कोई जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों को एट्रीब्यूट चाहिए वो लेवल 4 पे मिल जाता है। तो गाइस अभी हमारा जो M1014 ईवो है उसके अंदर आप लोगों को हीट इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगी, मतलब आप जब बंदे पे फायर करोगे तब आप लोगों को कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो अपडेट हो जाएंगे, यानी कि डैमेज सिंगल हो जाएगा, रेट ऑफ फायर डबल हो जाएगा और रिलेड स्पीड माइनस हो जाएगा। लेकिन जो 2.0 आएगा या 2.0 आएगा उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो हीट इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगी। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो गाइस आप लोगों को रेट ऑफ फायर डबल, आर्मर पेनिट्रेशन प्लस देखने को मिलेगा और मूवमेंट स्पीड माइनस देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा डिफरेंस डैमेज का ये है। तो आप लोग बोलोगे राज पे हमें तो डैमेज ही चाहिए, तो इसके अंदर आप लोगों को स्पेशली हमारा कस्टम एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेगा, मतलब आप लोगों को डबल रेट ऑफ फायर नहीं चाहिए, डबल डैमेज चाहिए और सिंगल रेट ऑफ फायर चाहिए तो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरे कहने की बात, कि जो एट्रीब्यूट्स आप लोग अभी तक जो गन में गरेना फ्री फायर देते थे वही यूज करते थे, लेकिन ये हमारा जो आएगा उसके अंदर पहला गन होगा जिसके अंदर आप लोग एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हो। यस गाइस, ये मुझे कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा कि गरेना फ्री फायर आप लोगों को एट्रीब्यूट्स भी चेंज करने का मौका दे रहा है, भाई साहब क्या बात है। इसके अलावा गाइस कुछ नहीं देखने को मिलेगा, दोनों ही लेवल 4 पे सेम टू सेम रहेगा। लेवल 5 की बात करें तो आप लोगों को अभी किल इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलती, मतलब बंदे को आप लोग मारते तो उसके लूट बॉक्स में से कुछ हिसाब से आपका इफेक्ट निकलता है, लेकिन जो 2.0 आएगा उसके अंदर गाइस आप लोगों को हमारा किल इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, मतलब उसके अंदर से भी निकलेगा बंदे का एनिमी जो मरेगा उसका, लेकिन जो कलर होगा वो यहाँ ग्रीन है वहाँ रेड हो जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो शॉटर है तो हमारा रेड कंसेप्ट देखने को मिलेगा। फायरिंग इफेक्ट की बात करें तो अभी गाइस आप लोगों को कुछ हिसाब से देखने को मिलता है जो अभी हमारा चल रहा है उसके अंदर, लेकिन जो हमारा 2.0 आएगा उसके अंदर फायरिंग इफेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग गोलियां जाएगी तो भी आप लोगों को पता चलेगा कितना रिकॉइल हो रहा है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और साथ में बुलेट ट्रायल दिया जाएगा। तो ये बुलेट ट्रायल क्या है वो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को कैसे समझा सकता हूँ। साथ में गाइस लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 पे अभी आप लोगों को न्यू लुक देखने को मिलता है, जो भाई साहब कुछ हिसाब से हो जाता है ड्रेको वाला, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कितना मस्त है, ऐसा हो जाता है। देखो गाइस ये लुक देखो सिर्फ कितना मस्त है ना, इसको मैं फुल करके आप लोगों दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस ऐसा लुक हो जाता है लेवल 6 पे। और साथ में गाइस आप लोगों को अनलॉक एट्रीब्यूट्स हो जाता है जिसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है ग्लोअल के ऊपर। तो ये हमारा गाइस सेम टू सेम M1047 जैसे काम करने लगता है, ये जो हमारा M1014 अभी है वो। लेकिन गाइस जो हमारा अपडेट होके आएगा 2.0 उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो न्यू लुक कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा, तो न्यू लुक आप लोग देख लो गाइस कितना मस्त है। साथ में आप लोगों के जो एट्रीब्यूट अनलॉक हो गए ना उसके अंदर गरेना फ्री फायर आप लोगों को हमारा एमओ एक्स्ट्रा देगा, रिलोड करते ना उसकी जगह 4 रिलोड होगा, मतलब एक गोली आपको ज्यादा मिलेगी, यही हमारा एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब नॉर्मली अभी आप लोग हमारे ये M1014 लेके खेल रहे हो तो आपका सिर्फ 6 ही हमारा रिलोड होता है, लेकिन जो हमारा 2.0 आएगा उसके अंदर आपका 7 हमारा रिलोड होगा, यही होगा। इसके अलावा गाइस आप लोग कस्टम स्किल कर सकते
सकते हो, मतलब आप इसको भी चेंज करना चाहते हो तो आप लोगों को इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा जो 2.0 आएगा उसके अंदर। लेकिन जो लेवल 7 आएगा, दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो अभी आप लोगों को न्यू लुक कुछ हिसाब से देखने को मिलता है। जो लेवल 6 पे गरेना प्रोवाइड कर देता है वो सेम टू सेम रहेगा। एक्सक्लूसिव इमोट जो अभी हमारा है वो कुछ हिसाब से, मतलब आप लोगों का ये इमोट रहेगा जो अभी हमारा चल रहा है उसके अंदर एकदम सिंपल सा देखने को मिलता है। लेकिन जो गाइस हमारा नया M1014 आएगा ना, उसके अंदर इमोट देखो भाई साहब, इमोट जाहिर है ना, इमोट भी आप लोगों को तगड़ा देखने को मिलेगा। तो ये लेवल 7 पे गए ना आपको इमोट भी दे देगा और न्यू लुक भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा जो फाइनल होगा, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, यही हमारा लास्ट रहेगा लुक जो कुछ हिसाब से रहेगा। तो मुझे तो लुक पर्सनली अच्छा लगेगा, आपको कैसा लगा लुक और इमोट कॉमेंट में जरूर बताना। लेकिन गाइस हमारा यहाँ लेवल 7 खत्म हो जाता है, जो अभी हमारा चल रहा है M1014 वो उसके अंदर लेवल 7 तक ही आप लोग अपडेट कर सकते हो। लेकिन गाइस जो हमारा स्कॉर्पियो शॉर्टर आएगा 2.0 का हो या 2.0 आएगा, उसके अंदर आप लोगों को लेवल 8 देखने को मिलेगा। तो लेवल 8 में हमारा क्या फायदा होगा, तो फाइनली गाइस आप लोगों को लेवल 8 पे तीन फायदा होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि आप लोगों को फाइनल शॉट देखने को मिलेगा। तो ये फाइनल शॉट क्या है तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो फाइनल शॉट का मतलब होता है कि गाइस आप लोग जब लास्ट बंदे को मारोगे ना, तो उसका गाइस आप लोगों का एक बिच्छू टाइप का निकलेगा, जो एनिमेशन आप लोगों को यहां दिखा रहा हूं ना, ये लास्ट बंदे को मारने पे आएगा। तो इसको कहा जाता है फाइनल शॉट। तो ये भाई साहब डरावना है, आप लोग अगर देख रहे हो ना, तो जैसे बंदा मारेगा ना तो उसके अंदर से बिच्छू टाइप का एक एनिमेशन निकलेगा जो डरा देगा। तो ये फाइनल शॉट इसको कहा जाता है। और साथ में आप लोगों को रिलोड इफेक्ट देखने को मिलेगी, मतलब आप लोग जब हमारा M1014 रिलोड करोगे ना तो कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा जो आप लोगों को दिखा रहा। और साथ में आप लोगों को तीसरा जो फायदा होगा वो होगा स्पेशल साउंड, यानी कि स्पेशल साउंड आप लोगों को दो देखने को मिलेगा, एक तो स्पेशल रहेगा और एक हमारा ओरिजिनल रहेगा। तो दोनों में आप लोगों को यहाँ सुना देता हूँ। तो ये हमारा साउंड रहेगा और इसके अलावा गाइस आप लोगों का खत्म हो गया। इसके अलावा और क्या चाहिए, लेवल 8 तक तो गए। अब बात करते कब आएगा और कितने डायमंड में मिलेगा। तो कब आएगा उसका एकदम सीधा सा आंसर है कि अभी तो हमारा AK-47 चल रहा है, ये खत्म होगा 5 अप्रैल को। तो क्या हम लोगों को 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा? नहीं, रुको जरा सबर करो। 6 अप्रैल को गरेना फ्री फायर आप लोगों को 7 दिन के लिए हमारा जो पुराना M1014 है ना उसको रिटर्न करेगा। तो इससे गरेना फ्री फायर ये क्या साबित करेगा, तो पहले गरेना फ्री फायर आपसे डायमंड लूट लेगा, मतलब पुराना आप लोगों को चिपकाने की कोशिश करेगा। जो अभी हमारा ग्रीन फ्लेम चल रहा है ना वो आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा 7 दिन के लिए, और वो जाएगा उसके 2 दिन के बाद, यानी कि गाइस आप लोगों को लगभग 15 से लेके 20 अप्रैल के बीच में हमारा न्यू स्कॉर्पियो शॉटर देखने को मिलेगा। तो गरेना फ्री फायर का माइंड देख रहे हो, पहले हमारा पुराना रिटर्न करता है, फिर गाइस हमारा जो नया आता है उसको बाद में रिटर्न करता है। तो कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो पुराना निकाल देंगे और गरेना फिर नया देगा तो उसको भी निकालेंगे, तो उनका डबल बिजनेस माइंड चलता है। तो आपको ये कैसा लगा बिजनेस माइंड और ये स्कॉर्पियो स्वेटर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।